नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा एक बार फिर प्रस्तुत हो खास खबर के साथ। जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जनप्रतिनिधि सत्ता पाते ही अपने कारोबार के लिए विरोधियों को निस्तनाबूद करने में जुट जाते हैं। जब जनता की सेवा के लिए काम ही नहीं किया तो झूठे वादे और उन पर लेप लगाने के लिए अपने चमचों से झूठी वाहवाही लूटते हैं। अगर सच्चाई निकलकर सामने आ गई तो उसे दबाने के लिए किसी की हत्या करवाने का भी प्रयास कर देते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिल चुका है कि समाज सेवा का चोला उड़ने वाले किस तरह से रातों रात अपनी तिजोरियां भरते हैं। इनके लिए कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं लगता। जिसका पहले विरोध करते हैं, जब वही काम ये स्वयं करते हैं तो वो पवित्र हो जाता है और अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ये कितना भी नीचे गिर पड़े इन्हें शर्म नहीं आती। इनका ना तो कोई जात ना धर्म होता है और ना ही होता है ईमान। सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए जनता से वोट लेकर सफेद पोश गुंडे वही जनता का शोषण करते हैं और उसी जनता को अपराधी, चोर, गुंडा कहने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शुक्रवार की दोपहर 12 बजे रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्राहट मोहल्ले में हुई वारदात की, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से आधा सैकड़ा गुंडे अपने हाथ में बेसबॉल लेकर पहुंचे और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक दूसरे व्यवसायी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि आप इस तरह के विवाद तो आए दिन देखते हैं, प्रतिदिन आधा सैकड़ा मारपीट के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये विवाद इसलिए खास रहा क्योंकि इसमें गुंडे का रूप धारण किए कोई और नहीं बल्कि दुर्भाग्य से सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी थे। दरअसल बताया जाता है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने रतहरा में संचालित होने वाली दुकान पार्टनर के साथ पैसा लगाया है। जब विधायक आबकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने में सफल नहीं हुए तो अपनी पालतू लोगों से आंदोलन करवाया। इसके बावजूद भी वो जब उनकी नहीं चली तो वो स्वयं गुंडों को लेकर धरना देने पहुंच गए। दरअसल ये लड़ाई मोटी कमाई की। बताया जाता है कि केपी त्रिपाठी उर्राहट वाली दुकान में भी हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन ठेकेदार ने हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया और उसी समय विधायक जी ने चेतावनी दे दी थी कि देखते हैं दुकान कैसे संचालित कर लोगे। और स्वयं दुकान पहुंचते हैं और मोर्चा संभालते हुए अपने पुराने रूप में आ गए। युवक पर प्राण घातक हमला कर दिया। हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो, जब विधायक के पितृ पाठी शराब की दुकान पर पहुंचे, किस तरह से गाली गलौज करते हुए कुर्सी लगाकर अपने आदमियों के साथ बैठे और ठेकेदार का सामान फेंकने का फरमान सुना दिया। सुना आपने, ये वही विधायक है जो एक एक वोट के लिए जनता के सामने नाक रगड़ रहे थे, जिसे जनता ने अपना अनमोल वोट देकर चुना है। क्या यही भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है? विधायक किस तरह से नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के राज्य की बात कर गुंडाई कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक को गुंडाई करने का लाइसेंस दे दिया है? क्या यह एक विधायक की भाषा है या गुंडे की? आप स्वयं तय कर लीजिए। गुंडा करती जनता के साथ गुंडा नहीं है, कुछ बोला कोई बताइए पूरी गुंडाई चल रही है यहाँ पे। हम लोग लाइसेंस लेके दुकान भैया चला रहे हैं। लाइसेंस दिया तो सरकार ने, लाइसेंस दिया सरकार से बोले लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लाइसेंस गुजरात के नाम से, बड़ा के नाम से, यहाँ से गुजरात का है ये बड़ा। जिस शराब के कारोबार का
विरोध पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पत्थर मारकर करती हैं। उसी पार्टी के विधायक कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने ही सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस का हवाला देते हुए जब दुकानदार हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी सरकार ने लाइसेंस दिया है, आप निरस्त करवा दीजिए, तो विधायक जी कहते हैं कि तुम्हारे गुंडे कल आकर आतंक मचा रहे थे। हाँ, तो तब हो गई जब विधायक जी को शर्म भी नहीं आई कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हाँ कल कोई गुंडा आया था। विधायक अपने आप को फंसा देख ठेकेदार को कह रहे, साले अपराधी तुम्हारा हौसला बुलंद है, जवान लड़ाते हो। ठेकेदार कह देता है कि हम भी कोई सड़क छाप नहीं है, लाइसेंस लिया है। तो विधायक जी जो पहले से गुंडे लेकर पहुंचे थे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर उनका खासम खास हत्या का आरोपी सिद्धू खड़ा हो जाता है और इशारा पाते ही दर्जनों गुंडे रखी कुर्सियों को उठाकर ठेकेदार के ऊपर प्राण घातक हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, विधायक स्वयं दुकान के भीतर घुसकर मारपीट करते हैं। हौसला तुम्हारा बुलंद है, साले अपराधी। केपी चाचा आप कोई सुन ही नहीं रहा, जबरदस्ती हम लोग भी कोई ऐसा नहीं कि रोड छाप। तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे, तू क्या बात कर रहा है? देखा आपने विधायक की करतूत, किसी तरह से दुकान के अंदर छिपकर ठेकेदार को अपनी जान बचानी पड़ती है, तो भी अंदर घुसकर विधायक मारपीट करते हैं और वहां से निकलते ही अपने हथियार बंद गुंडों को इशारा कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने साथ लाए बेसबॉल के डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दहशत फैलाते हैं। ये वही विधायक के पितृपाठी है जिसे जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है, जो सिमरिया की जनता के ऊपर सैकड़ों झूठे मामले दर्ज कराने के बाद अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आप नेता पर हमला, वोट ना देने वालों पर हमला के साथ ही अब रीवा में भी आकर गुंडाई कर रहे हैं। देखिए अगला वीडियो, जिसे देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से पुलिस के सामने विधायक ने गुंडाई की और अपने पालतू गुंडों को बुलाकर ठेकेदार के ऊपर हमला किया और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा कि हमारे ऊपर ठेकेदार ने हमला किया। अरे ये सब लेन देन करके काम कर रहे हैं, बुलडोजर मामा का उनके तरफ भी चल दिया है, अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा करके यहाँ जनता को धमकाए। यहाँ से तुरंत हटवाइए, तुरंत हटवाइए। एनओसी यहाँ के लिए कितने भी हमारे पाई, जनता जो चाहेगी रीवा में वो होगा, मध्य प्रदेश में वो होगा। यहाँ शंकर जी है, अरे ये पता में क्यों खुलवाओ गया, इनको इनको हमको दीजिए कागज, बड़ा की दुकान में, बड़ा में ये कैसे प्रोटेक्ट करके पूरा की दुकान खुलवा रहे हैं इनके ऊपर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर और विक्रमजीत सागर के ऊपर, मैं यहाँ धरने से नहीं हूँ। बहुत बढ़िया।
राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा कि नेता शराब के कारोबार के लिए इतने नीचे गिरा हो। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब सुनियोजित ढंग से अपने कार्यालय के कर्मचारी अपराधियों के समूह को लेकर विधायक के पितृपाठी पहुंचे और अकेले ठेकेदार के ऊपर किस तरह से हमला कर दिया। क्या विधायक आंदोलन करने पहुंचे थे या गुंडे, आप स्वयं अनुमान लगा ले। आइए अब दिखाते हैं दूसरा वीडियो जिसमें विधायक ने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए बीच सड़क पर बैठे और आबकारी विभाग के एसआई अभिमन्यु पाठक और कमिश्नर को बुरी तरह से गालियां देते हुए सारी मर्यादाओं को पार कर दिया है। पटना वाली में जहाँ कॉलोनी के गेट है, जहाँ से महिलाएं बहनें निकलेंगी, वहाँ पे तुम लोग दुकान खोल रहे हो, वकालत कर रहे हो और फिर गुंडागर्दी कराते हो। हमसे गुंडागर्दी कर रहे हो विधायक से, तुम्हारे शराब माफिया, शराब के माफिया लोग 2 साल इतनी शराब भिजवाए हो इस कांग्रेस नेता से और इसने अपने पीए के नाम किया दुकान, इसको चाहिए कर्मी शराब बेचने, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पुर्राग की दुकान बड़ा में खुलवा रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, तुम लोग बचने वाले नहीं हो। अरे ये सब लेन देन करके काम कर रहे हैं, बुलडोजर मामा का उनके तरफ भी चल दिया है। अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा करके यहाँ जनता को धमकाएं, तुरंत हटवाइए एनओसी। जनता जो चाहेगी विवाह में वो होगा, मध्य प्रदेश में वो होगा। अरे ये बना में क्यों खुलवाओगे आप? इनको हमको दीजिए कागज, बड़ा की दुकान में, बड़ा में ये कैसे प्रोटेक्ट करके पूरा की दुकान खुलवा रहे हैं इनके ऊपर? जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के ऊपर, मैं यहाँ धरने से नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। घटना से संबंधित वीडियो देखकर आप अनुमान लगा लिए होंगे कि ईमानदारी से अपने कारोबार को करने वालों पर किस तरह से नेता गुंडों का उपयोग कर उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। वही जो इन्हें मालामाल करते हैं वह चाहे दुष्कर्मी ही क्यों ना हो, उसको बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। राजनिवास में किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ तो विधायक जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन सत्ता के सामने घुटने टेके खाकी वर्दी बेबस दिखी और कुछ ना कर सकी। सिर्फ वही किया जो विधायक के पितृपाठी ने अपने विगत 3 वर्षों के कार्यकाल में सिमरिया में करवाते आ रहे हैं, काउंटर मामला दर्ज और पुलिस की खानापूर्ति। इसके पहले भी शराब के ठेके होते रहे और ठेकेदारों के द्वारा कारोबार भी किया जाता रहा है, लेकिन इस तरह से शराब की हिस्सेदारी में कोई जनप्रतिनिधि गुंडों को लेकर नहीं पहुंचा। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ में चाहे कितनी बड़ी पुमड़ी पहना दो, पूंछ टेढ़ी ही रहेगी, वो सीधी नहीं होती, और यही हुआ उरहट में। आइए आपको सुनाते हैं सिमरिया क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने अपने प्रिय विधायक के संबंध में क्या कहा है। इसके बाद आपको सुनाएंगे रीवा के लोगों को। जो लोगों को भोगता था, काटता था, ये रीवा भी पहुंच गया। ये इतना कुत्ता है, इस सिमरिया के लोगों को तो काटता था, रीवा के लोगों को भी काटने लगा है। और सभा में कहता है कि हमको लोग शहाबुद्दीन कहते हैं, पर इतना कुत्ता है जैसे पगलाया हुआ कुत्ता कुमार में नहीं भागता है और लोगों को काटता है, वैसे ये कुत्ता सिमरिया से छोड़ के और शराब माफिया के चक्कर में वहाँ पर पहुँच के विवाद किया। और आप सारे लोग आज के केस मामले को देखे ही होंगे। और एक बार साहब के नगर पंचायत पे हमारे पास भी आया है, जो हमारे ऊपर कार्यवाही बार बार इनके द्वारा जबरन प्रताड़ित भी किया गया। और ये जैसे कुत्ता पगलाता हुआ वैसे पगलाया हुआ है। ठीक, सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के द्वारा मारपीट की गई, क्या मानते हैं किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सिमरिया विधायक जो है पूर्व से भी इस प्रकार की घटना को घटाता आया है। इसके पहले भी जो है प्रशासन का जिस प्रकार से आज जो है वहाँ पर जो नंगा नाच जो जिस प्रकार से किया गया उनके द्वारा, किसी के शराब व्यापारी के दुकानों के अंदर में जिस प्रकार का विरोध आज तक
मेरे साथ में जब से चुनाव लड़े हैं तब से जो है आज तक किसी प्रकार से कोई भी अब न किसी प्रकार कोई धरना प्रदर्शन आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन आज जिस प्रकार से शराब की दुकानों के लिए स्थानांतरित कराने के लिए जिस प्रकार से वहां पर गया जाना हुआ और दुकान के व्यापारी के दुकान के अंदर जब घुसना हुआ और घुस के बैठ के ज़्यादा दादागिरी, उसके बाद जिस प्रकार से मारपीट और पुलिस प्रशासन के साथ सामने जिस प्रकार से उस व्यापारी के सर को फोड़ा गया जिसकी हत्या करने की कोशिश की गई, ये जो है इस प्रकार इसके पहले इससे प्रोडक्शन जो है इटहा में मिल गया था। और ये जो है जो गलती से जो है जो रायन शुक्ला की देन है सिमरिया के लिए दुर्भाग्य ये केपी त्रिपाठी, तो ये इस प्रकार का जो है ये हमेशा से करता आया है। इसी का कारण है कि आज जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो है किस जगह पे किस मामले को लेकर ये धरने प्रदर्शन बैठे, आज क्या जरूरत थी, क्या समय, क्या ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट नगर वाला जो है या फिर कहीं और जगह पे जहाँ पर है जहाँ पब्लिकली जहाँ पर दारू दुकान है वहाँ पर आज तक क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी अनुसार मेरे है कि यह आर्या ग्रुप में जो है 1 करोड़ रुपए देकर जो है आज सवेरे से वायरल हो रहा सब जगह, ये देकर जो है इसका पार्टनर है, इस बात के लिए वहाँ पर जाके इसने मारपीट की और बेहद दुखद है। और मैं तो ताजुब हूँ इस बात से कि रीवा के SP नवनीत भसीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके होने के बावजूद ये काउंटर कैसे दूसरे जिन लोगों को मारा उसके बाद आपके जब मैं थाना प्रभारी जब मैं पूछता हूँ सुनील जी से वो बोलते हैं काउंटर केस हो गया है। ये कैसे काउंटर केस है जब एक तरफा लोगों ने जब पिटाई की एक लोगों घुस के जबरन मारा गया और हद तो तब हो गई जब अवकारी के अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल लगातार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर जो है वहाँ पर यह घटना घटाई गई। कुल मिलाकर अपने व्यवसाय शराब को बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए नहीं बल्कि शराब व्यवसाय अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मारपीट हत्या के प्रयास जैसे मामले हो रहे हैं, क्या मानते हैं कि आप विकास है फिर रीवा में जाकर सिमरिया छोड़ के? जिस व्यक्ति ने अपने सिमरिया के अंदर में आज तक किसी हैंडपंप के लिए नहीं किया, किसी कोटा में लुटते हुए लोगों के लिए नहीं किया, पूरी खाद सिमरिया की बिक गई पूरे रीवा के अंदर में, तो किसानों के लिए नहीं किया, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र को समस्त लूट का अड्डा बना रखा है उस व्यक्ति के द्वारा एक शराब दुकान के लिए सड़क को जाम करना, और मैं नवनीत भसीन जी से बोलता हूँ यदि कोई आदमी मर जाता है उसकी अगर उसकी बॉडी लेकर अगर बैठते हैं कहीं पर तो उनके ऊपर जब ये जब सड़क रोकने का जब लग जाता आरोप तो ये इस विधायक जो है जो दुर्भाग्य है सिमरिया का, ये विधायक के सड़क को लगातार जाम करने के लिए वहाँ पर आज जो है मेरे को खबर आई है कि मेरे एक व्यक्ति जो है ब्लड देने के लिए अस्पताल जा रहा था उसने है लगातार जो अस्पताल वो ब्लड नहीं पहुँचा पाया और उसकी डेथ हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन क्या करेगा? इनके ऊपर जो है सड़क रोकने का मुकदमे के साथ साथ मारपीट की जिस प्रकार घटना है इनको जो है जो प्रशासन जो इनको साथ दे रहा है वो अभी नहीं, ये 1.5 साल बाद ये विधायक नहीं रहेंगे इनका सिमरी से क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं सड़क में उतरते हैं, जब चुनाव आएगा तो आप उतरेंगे, कांग्रेस उतरेगी, अभी क्यों नहीं उतर रहे? ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो आज जो है जाऊंगा और अगर ये सड़क जिस प्रकार इन्हें जाम किए थे तो जो है दूसरे जगह पे मैं देखना चाहूंगा कि कहां कहां के दुकानों के लिए ये सड़क जाम करना चाहते हैं। और जैसे हम जैसे हमारी पार्टी जिस प्रकार जिस स्तर पर यहाँ पर हैं उस स्तर पर हम विरोध करते हैं, लेकिन बड़ा दुखद है ये कि कांग्रेस के लोग अभी इसके पहले जो घटना घटी बाबा वाले मामले में भी इन लोगों ने साफ साफ नाम लेकर सिर्फ विरोध नहीं किया उस हिसाब से, और आज भी ये जो बहुत बड़ी घटना है इस प्रकार किसी विधायक के द्वारा ऐसा कृत्य करना पूरे हिंदुस्तान के अंदर में शराब की दुकान के लिए मारपीट कर देना किसी बात को लेकर ये बेहद दुखी है। और मैं बहुत दुखी इस बात से हूँ कि मेरा साथ में लड़ा हुआ प्रतिद्वंदी जो भी आज विधायक है और सिमरिया का दुर्भाग्य है आज जगह जगह से बदनामी हो रही, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। ये हम सिंह एसोसिएट के नाम से दुकान मिली है आबकारी से हमको उर्राहट सिरमौर चौराहा। अब उर्राहट की दुकान जो पहले से संचालित है उसमें जगह ना होने के कारण हम लोगों ने उसको जहां दुकान मिली उर्राहट एरिया में बिजली का बिल वगैरह उसका सब उर्राहट के नाम से था वहां पे हमने दुकान बनवा रहे थे। अभी हम लोग अभी तो सामान वामान कुछ आया नहीं था वहाँ पर, अभी तो बनवा रहे थे आबकारी जब लाइसेंस देती, अभी आबकारी ने भी वहाँ का हमको कुछ दिया नहीं था, लेकिन अभी तो केवल खाली दुकान बन रही थी तो वहाँ पे हो गया दुकान बन रही थी, मानस चल रहा था मेरा, मानस चल ही रहा था और कथा की तैयारी हो रही थी, इतने में KP त्रिपाठी आपके जो सिमरिया विधायक हैं वो अचानक से वहाँ पे आए और अंदर घुस गए दुकान के, बोले इनका सामान वामान सब बाहर फेंक दो। फिर जब अंदर गए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, अभी तो कुछ क्या मिलता, बोले दारू फेंक दो ये फेंक दो, तो हमने कहा भैया अभी तो लाइसेंस ही नहीं मिला, अब यहाँ का लाइसेंस मिलेगा तब आएगी दारू वारू, इसके पहले हम लोग नहीं रख सकते हैं। फिर बाहर आए हो गया, बाहर बैठे थे, फिर मुझको गाली गुप्ता देने लगे बाहर बैठ के कि तुम साले अपराधी हो, ऐसा वैसा सब वीडियो में दिखिन रहा है पूरा। और वो चारों तरफ से जब मैं कुर्सी में उनके बगल में बैठा तो उनके जो लड़के उड़के थे
वो मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे। मैं इससे आशंका नहीं हूँ, मुझे लगा कि ये जनप्रतिनिधि हैं तो ये टुच्चाई वाला काम तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे। तो जैसे मैं वहाँ पर बैठे था तो अचानक से बात करते करते जो वीडियो में दिख रहा है कि विधायक जी उठे और मुझे मार दिए, तो मुझे मार दिए। उसके बाद उनके अगल बगल जो और लोग थे उनसे सबसे मरवाने लगे। तो मारते मारते फिर जैसे ही मैं कुछ देर बाद मेरे सर में लगा लाठी डंडा, उसके बाद मैं गिर गया। तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि फिर मेरा क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे तो फिर अभी 6 बजे शाम को फिर होश आया था। तो विधायक जी ने खुद मारा मुझे और उनके साथियों ने। अब मैं उनके साथ वो लोग आए थे, मैं केवल विधायक जी को जानता था, बाकी उनके साथ वो छोटे बाल का एक लड़का था, उसको बाद में अभी बताया वीडियो दिखा के, तो लोगों ने पहचान बताई कि कोई ऋतुराज चतुर्वेदी उत्वेदी है ऐसे कुछ, और एक वो मंडल अध्यक्ष बताए बन कुइया का है। तो यही लोग थे और बहुत सारे साथी, तो आदमी वो वहाँ पर सबको देख नहीं, उनकी हमारी दुख नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी साझेदारी समान नाका ग्रुप में है, वो आर्या ग्रुप के साथ उनका करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और वो जगत सिंह और वो सब साथे में आए थे। बद्रिका का अगर CCTV आपको उस समय का मिल जाएगा तो जगत सिंह और वो साथे आए हैं वहाँ पे पहले, जो आर्या ग्रुप में आप अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट से भी, मतलब जगत सिंह लोगों के अकाउंट से किसी न किसी के नाम से वहाँ पे आया होगा पैसा, इसलिए कि वो 33% के पार्टनर जगत सिंह भी हैं उसमें, जो वहाँ पर धरना करा रहे हैं, और विधायक जी भी पार्टनर हैं उसमें। तो इसीलिए हो गया कि हमारा नुकसान होगा, समान नाका के नज़दीक दुकान आएगी, तो इसीलिए गुंडे लेके आए। आप लोगों ने लाठी डंडे देखे ही हैं, लाठी डंडों के साथ आए और हमारे साथ मारपीट की है। जी दुकान को लेकर और विधायक KP त्रिपाठी पर आरोप लगा मारपीट का शराब की दुकान को लेकर, क्या मानते हैं कि इस समय जो जनप्रतिनिधि है किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये, खासकर भाजपा के लोग? कल मैंने भी देखा, सोशल मीडिया में देखा, कई न्यूज चैनलों में देखा, आज पेपर में भी, अखबारों में पढ़ा कि माननीय सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी जी कल धरने में बैठे थे। सत्ता पक्ष का विधायक धरने में बैठा है, ये थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। और KP त्रिपाठी तो दमंग विधायक हैं, उनकी दमंगई चलती है, जैसे कल तू मैं करके बात कर रहे थे SDM को, तो मुझे लगा कि एक बड़ा दमंग विधायक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ KP त्रिपाठी जी विधायक हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल के भेल में एक शराब की दुकान में पत्थर फेंका था, तो KP त्रिपाठी जी आए, उनके साथ विनोद शर्मा रहेगा, वो खड़े रहेंगे, मैं भी सभी दुकानों पर पत्थर फेंकूंगा। आखिर इंटरेस्ट क्या है शराब से, शराब की दुकानों से? कहीं ना कहीं ये धुआं उठा है तो आग लगी है। लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कांग्रेस का बड़ा नेता शराब का रीवा में बड़ा ठेकेदार है, उनको लगा कि विधानसभा सेम है तो यार इसमें मज़ा है, हम भी ले लें, तो मज़ा लेने के लिए शराब में कहीं ना कहीं उनका भी पैसा इन्वॉल्व है। माननीय विधायक जी आइए, आपके साथ धरने में बैठूंगा, जगह है आपकी होगी, और आप धरने में बैठना, विनोद शर्मा अन्न और जल त्याग करके बैठेगा। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, आज मेरा उपवास है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि शराब के लिए यदि अन्न और जल त्यागना पड़े। आप बोल रहे हो मैं माफिया से लड़ रहा हूँ, किस शराब माफिया से लड़े? और आज के पहले आपने कितने धरने दिए, जनता के हित में कितने धरने दिए? सिमरिया के विधायक हो, रहते रीवा में हो, रीवा के लोग पानी नहीं पाते, रीवा के लोग जिस वार्ड में आप रह रहे हो वहाँ पर जितनी गंदगी है और जितनी असुविधा है, उसके लिए कभी धरने में बैठे? विधायक जी ने FIR में लिखवाया है कि हमारे पास यहाँ की समस्या लेकर घर पहुँचे थे लोग, क्या राजेंद्र शुक्ला के पास नहीं पहुँचे, जी का घर बगल में ये वो जनता को बताना चाह रहे हैं, रीवा के प्रशासन को, कलेक्टर को बताना चाह रहे हैं कि रीवा शुक्ला से ज्यादा पावरफुल, वो जिस वार्ड में दुकान है वो 16 नंबर है और 16 नंबर वार्ड भाजपा का वार्ड है, तो भाजपा का पार्षद कहाँ था? जनता सबसे पहले पार्षद के पास जाती है, तो क्या वहाँ पे जब वहाँ का पार्षद बैठा था? नहीं बैठा था। वो सम्मानित महिला हैं भाजपा की, जो वहाँ की निवर्तमान पार्षद हैं, वो सम्मानित महिला है, तो महिलाओं की पीड़ा तो वो महिला जानेगी ना,
देखिए धरना तो एक लाइन का है, इंटरेस्ट शराब में इंटरेस्ट है। यदि उनको वास्तव में धरना देना है जल त्याग करके बैठूंगा शराब वास्तव में आप शराब के लिए दुकान में पत्थर फेंका तो पत्थर राजन शुक्ला के घर में फेंकूंगा, दूसरा पत्थर प्रेस गौतम के घर में फेंकूंगा और तीसरा पत्थर रीवा के कलेक्टर के घर में फेंकूंगा। बंद करो रीवा की शराब की दुकानें। जो आपने वीडियो देखा उसमें स्वयं उकसाते हुए दिख रहे हैं केपी त्रिपाठी जी, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो स्वयं गाली गलौज करते हैं, कुर्सियां फेंकने के लिए कहते हैं, कहां शराब की दुकान है। इसके बाद शिकायत कराते हैं हमारे साथ धरना, आप भी लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस भी पिछले 15-16 साल से कर रही है। क्या कभी ऐसा कुछ देखने को मिला कि आप धरना दे रहे हो तो खुद उसी के यहाँ घुस जाओ, उसी के यहाँ मारपीट शुरू कर दो प्रशासन? लाइन की बात में बोलूं कि सत्ता पक्ष के विधायक को इस प्रकार से उतावलापन और इस तरह से दिखाना ये शोभा नहीं देता। वो आज उनको लगता है भूल गया है कि वो विधायक है। झंडे लेकर वीडियो मैं वो वीडियो अभी तो नहीं देखा हूँ, पर ऐसा सुनने में कई लोग हमारे साथी बैठे हैं ये लोग भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं इतने कहूँगा कि सिमरिया विधायक को शराब की दुकान के खिलाफ जो धरने में बैठे हैं, निश्चित तौर पे यदि वहाँ पे दुकान नहीं खुलनी चाहिए, मैं उनके समर्थन में हूँ, दुकान ना खुले। यहाँ रहट में अनशन चल रहा था, आंदोलन हो रहा था, आप भी वहाँ पहुँचे थे, ये किस तरह की लड़ाई थी, कैसे लोगों को बताया जा रहा था, क्या बोलते हैं, जिस तरह से विवाद हुआ शराब की दुकान के लिए? विवाद का तो दूसरे दिन हुआ है, पहले दिन जब हम लोग गए हैं तो बताया विजय मिश्रा एडवोकेट है, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ शराब के विरोध में एक आंदोलन हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखा बगल में शराब वाला जो है वो कीर्तन करा रहा था, और हम लोग को भी बोलना था लेकिन दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमको बाद में समझ में आया कि ये दोनों तरफ से ये खेल जो है वो दूसरे ढंग का है। तो मैं दूसरे दिन नहीं गया, और दूसरे दिन पता चला कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, और जो प्रतिस्पर्धा जो शराब माफियों के बीच की है उसके चलते ये सब घटना घटी है। और यदि जनता की बात है तो हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि शराब की दुकानें ना हो, शराबबंदी हो, यदि जनमत संग्रह कराया जाए तो 95% 100% महिलाएं बोलेंगे कि शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है, जिस ढंग से रीवा में 2-3 जगह भी यही हो रहा है कि हमको लग रहा कि हम लोग इतने दिन शराब का विरोध करते रहे, तो इस ढंग से कभी बने भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, लोग नहीं आते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये प्रायोजित ढंग से जब खेल होता है तो भीड़ अचानक खूब आ जाती है। जिस दिन हम लोग थे पहले दिन, उस दिन कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। ये बात सच्चाई है कि लोग नहीं चाहते हैं कि शहर के अंदर कहीं शराब की दुकान हो, क्योंकि सबका परिवार रहता है, घर गृहस्थी रहती है, लड़कियां हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, लड़कों की हालतें खराब होंगी तो माँ बाप को भी चिंता रहती है। लेकिन उस दिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि वहाँ पर यहाँ विधायक हैं सिमरिया के, वो पहुँचे, उनका तो काम है, कभी उन्होंने विधानसभा में तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहाँ उनको जनता ने चुन के भेजा है तो वहाँ इस सवाल को उठाते तो हम लोगों को भी अच्छा लगता, हम लोग भी उनके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते। लेकिन पता चला कि वो उनका और एक दूसरे का दोनों का एक प्रतिस्पर्धा है, और जिसके चलते ये सारा खेल हुआ, तो बहुत दुख हुआ कि जनप्रतिनिधियों को तो कम से कम इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और जी कुछ पूछना? दूसरे क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ राजन शुक्ला है, यहाँ गिरीश गौतम जी का घर वहीं पास में था, उन लोगों को न आना, उनके पास लोगों को न पहुँचना, जिस तरह से घर में घुस के दुकान में घुस के मारपीट करना, सड़क जाम करना, ये क्या मानते हैं कितना उचित है? देखिए राजन शुक्ला जी की जहाँ बात है तो वो तो किसी मामले में पड़ते नहीं इस तक के, उनका खेल दूसरा रहता है, वो भू माफिया वाला उनका खेल है, ये शराब माफिया वाला खेल है, वो शराब माफिया वाले लाइन में नहीं है। उनको ज़मीन दिखती है तो ज़मीन पर उनकी नज़रें बहुत गड़ जाती हैं, पूरा रिवाई बेच दिया सौंदर्या के हवाले। और गिरीश गौतम जी का है, वो तो माननीय बन गए हैं, हैं उनको भी चिंता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसमें। लेकिन जहाँ उनका दिख रहा है तो सिमरिया में उन्होंने केपी त्रिपाठी जी ने कितने आंदोलन चलाए शराब के खिलाफ, जो यहाँ पर रीवा में आके तो लग रहा है कहीं ना कहीं उनका कोई लंबा खेल है, लंबा गेम है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार, वो पूरी जनता को इसी मुद्दों में उलझा के रखना चाहती है, और एक क्रेडिट भी ले लेगी, कल दुकान यदि वहाँ से हट जाएगी तो उसमें कहेगा मामा हूँ, मामा ने शराब की दुकान हटा दी,
मामा खुलवाता भी है हटाता भी है, दूसरी जगह चली जाएगी, उससे कुछ होना नहीं है। जैसे अभी ये सब खेल हुआ बुलडोजर वाला, बुलडोजर मामा बनना चाह रहे हैं, तो ये सब तमाशेबाजी है। बिल्कुल हाँ नहीं है। और अभी मान लीजिए कल जरूरत होगी तो किसी का भी आप FIR करा के घर गिरा दोगे। तो हम विधि सम्मत न्याय की बात करते हैं। न्याय का मतलब नहीं है कि किसी को आप जाके गोली मार दीजिए, किसी को चौराहे में लटका दीजिए। विधि सम्मत न्याय होना चाहिए, उसमें जिसको जितनी भी फांसी की सजा तक हो उसको दिलवाइए। लेकिन जब तरीका नहीं है, वो राजा महाराजाओं को जैसा कि आपका जब मर्जी हुई इसको सूली में लटका दो, इसको चरसा खिंचवा लो, इसको पन्ही से पीटो, तो ये सब तरीके ठीक नहीं है। और जो तरीका हुआ है, शराब की दुकान बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, लेकिन जो तरीके से वहाँ हुआ है उस दिन उड़दंग हुई है, मारपीट हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब उमा भारती जी ने भी किया था तो मैंने विरोध किया था। जब भोपाल में पत्थरबाजी की तो वो पत्थरबाज के लिए तो बदनाम थे कश्मीरी लोग कि वो पत्थर चलाते हैं, 500 रुपये मिलता है, तो उमा भारती को कितने पैसा दे दिया, या इनको त्रिपाठी जी को क्या हो गया अचानक कि वो जाके वहाँ पर मल्ल युद्ध करने लगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हमारा पूरा जैसे हम लोग जैसे में चला बिल्कुल बिल्कुल वो चला रहे हैं, स्वार्थ नहीं स्वार्थ दिख रहे हैं, जनता भी जानती है, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे दीप जला रहे हैं गैस समय जाके शांतिपूर्ण तरीके से, हमको अपना मैसेज देना है, अपना संदेश छेड़ना है, छोड़ना है, जनता जनता को विश्वास में लेना है। बाहुबली के आधार पर ये तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, इससे उनकी छवि खराब हुई है, मेरी नज़र में भी खराब हुई है, जनता की नज़र में क्या बनी हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि एक विधायक को जिसको इतनी शक्तियाँ मिली हैं कानून सम्मत, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकारी दल का विधायक है, उनको तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कोई गैर सत्ताधारी दल का आदमी करता उसकी सुनवाई नहीं होती, एक बार उसका मामला लगता कि उसने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन उनके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। क्षेत्र के साथ साथ लोगों की विधायक के प्रति क्या राय है? आपको बता दें कि किसी का भी विरोध करने का एक तरीका होता है, आप आंदोलन भी कर सकते हैं, अनशन पर भी बैठ सकते हैं, रास्ता जाम कर सकते हैं, तालाबंदी कर सकते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उसके घर के अंदर घुसकर मारपीट तोड़फोड़ नहीं कर सकते। सिमरिया विधायक ने ये नई प्रथा का चलन शुरू कर दिया है, अब देखते हैं जनता क्या अनुसरण करती है। अगर साधारण व्यक्ति होता तो उसके ऊपर डकैती लगती, लेकिन धन्य है देशभक्ति जनसेवा की कसम खाने वाली रीवा पुलिस, जिसने विधायक के दबाव में आकर उल्टा काउंटर मामला दर्ज कर लिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित चिल्लाता रहा कि विधायक ने मारपीट की, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक ने गाली गलौज करते हुए अपने लोगों को उकसाया, खुद मारपीट करने अंदर घुसे और इनके लोग पहले से ही लाठी डंडे लेकर आए थे। चर्चा तो ये भी है कि आधे से अधिक अपराधी अपने साथ अवैध हथियार भी रखे थे, लेकिन इस विधायक को इससे क्या मतलब, अपने ही क्षेत्र के युवाओं को अपराधी बना दिया, जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो गए, उनका भी भविष्य चौपट हुआ। अब वह सिर्फ विधायक के पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहेंगे और नेताजी अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसी तरह से क्षेत्र को युवाओं को रोजगार देते रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने घायल पंकज तिवारी की शिकायत पर मारपीट करने वाले अनिमेश उर्फ मंटू द्विवेदी, मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू मंडल अध्यक्ष बनकुइया, ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, मनीष शुक्ला और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि विधायक केपी त्रिपाठी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके जांच शुरू की है। जिले के साथ साथ देश विदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।